नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। पीएफआई की आरएसएस से तुलना, पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर। शरद पवार पर बयानबाजी से नाराज एनसीपी, बागियों को चेताया, कहा घूमना मुश्किल होगा। अगर भारत श्रीलंका की तुलना गलत है तो क्यों ओवैसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान, कहा दक्षिण अफ्रीकी देशों का मूल्यवान भागीदार हो सकता है भारत, स्टार्टअप रक्षा क्षेत्र में करेंगे मिलकर काम। दिल्ली में 10 साल कम हो सकती है उम्र, केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बोले वायु प्रदूषण से मौत का कई आंकड़ा नहीं। रांची में नूह जैसी घटना, गाड़ियों की चेकिंग कर रही महिला दरोगा को पिकअप से रौंदा मौत। पुलवामा में पुलिस और सीआरपीएफ पर हुए हमले की पीएफएफ ने ली जिम्मेदारी, ऑडियो मैसेज जारी कर कहा हमने की फायरिंग। कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। नीट परीक्षा में छात्राओं से जबरन इनरवेयर उतरवाने के मामले में एक्शन, 5 महिलाएं गिरफ्तार। किन्नौर और मनाली में भारी बारिश का कहर, मॉल रोड नदी में तब्दील, किन्नौर की लियो चांगो यंग थंग, बादल फटने से तबाह। लोकसभा में भी शिंदे गुट को मान्यता, स्पीकर ने राहुल शिवाले का शिवसेना का नेता माना, भावना ग्वाली को चीफ। नूपुर शर्मा की हत्या करने पाकिस्तान से आया रिजवान, आतंकियों की तरह किया घुसपैठ, श्री गंगानगर में गिरफ्तार। श्रीलंका की स्थिति पर सर्वदलीय बैठक के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला, श्रीलंका की स्थिति गंभीर, आईएमएफ के बिना उनके पास कोई विकल्प नहीं। उपहार अग्निकांड में अंसल भाइयों की रिहाई का आदेश, कोर्ट ने 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना रखा बरकरार। हरियाणा में खनन माफिया ने डीएसपी पर डंपर चढ़ाया, मौके पर हुई मौत, घटना के 4 घंटे के भीतर पुलिस एनकाउंटर में घायल आरोपी गिरफ्तार। कुशीनगर के तमकुही राज में 40 लोगों से भरी नाव फंसी, निकालने गई दूसरी नाव भी अटकी, लापता युवक की लाश तलाश जारी, सभी सुरक्षित। योगी के 2 मंत्री सरकार से नाराज, राज्य मंत्री दिनेश खटिक ने राज्यपाल को इस्तीफा भेजा, खफा, जितेंद्र सीएम के बाद शाह से मिलेंगे। बागपत में एफबी स्टेटस से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश, हिंदू संगठनों के विरोध के बाद अब पुलिस हुई एक्टिव, आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर में बारिश के लिए महात्मा ने शुरू की अग्नि तपस्या, 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए आग के सामने बैठे। सुल्तानपुर में मुर्गी लदी पिकअप ने कार को मारी टक्कर, घर के सामने सो रहे व्यक्ति की चपेट में आकर मौत,
कार्रवाई। झांसी में लाइट न आने पर लोगों ने लगाया जाम, ट्रांसफार्मर फूक जाने से 18 घंटे से बिजली नहीं थी, डेढ़ घंटे सड़क जाम। अंबेडकर नगर में युवक को पीट पीट कर मार डाला, खेत में काम कर रहे युवक की गांव के दबंगों ने लाठी डंडों से की पिटाई। पुलिस से मारपीट की शिकायत पर पत्नी को बंधक बनाकर पीटा, 3 महीने पहले तोड़ दिया था जबड़ा, मुकदमा हुआ दर्ज पर नहीं हुई गिरफ्तारी। वाराणसी में मिट्टी कारोबारी के सिर में मारी गोली, 3 आरोपियों की पुलिस कर रही तलाश। हापुड़ के बाजारों में बढ़ी सीएम योगी टी शर्ट की धूम, कांवड़ियों की बनी पहली पसंद, हाथों हाथ खरीद रहे लोग। एसआईटी रिपोर्ट, डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसूता की मौत, शहर कोतवाली में दर्ज हुआ मामला, भटक रहे मृतका के परिजन। हमीरपुर में कुदरत का करिश्मा, मिट्टी के गुफा से निकल रही जलधारा, स्थानीय लोग चमत्कार मानकर करते हैं पूजा। हरदोई मेडिकल कॉलेज में गत्ते से हो रहा प्लास्टर, अधिकारी बने अनजान पीड़ित, बोला इमरजेंसी में कंपाउंडर ने चढ़ाया। फतेहपुर में पुलिस का दुकान में समझौता कराने का वीडियो वायरल, एसपी ने दिए जांच के आदेश, मारपीट के मामले को लेकर पहुंचे थे दो पक्ष। मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों की पिटाई का वीडियो वायरल, मुजफ्फरनगर में सिक्योरिटी गार्ड्स ने किया हमला, 2 वार्ड बॉय समेत 7 अरेस्ट। ग्रेटर नोएडा में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुआ सड़क हादसा, खड़े कैंटर में पीछे से 2 गाड़ियों ने मारी टक्कर, 1 घायल। उन्नाव में फंदे पर लटकता मिला युवक का शव, पत्नी की मौत के बाद से मानसिक बीमार रहता था, बच्चों को ननिहाल भेज दिया था। फिरोजाबाद में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, 14 दिन में बिना हेलमेट हुए 5,325 चालान, हादसे में 9 की बची जिंदगी, 6 की मौत। उन्नाव में एक्सीएन ने विधायक से की फोन पर अभद्रता, कहा मुझे लाइन मैन समझ रखा है क्या, सीडीओ ने फटकार। बदायूं में किसान को आत्मदाह को उकसाने वालों पर चार्जशीट, आईजी की एसआईटी ने की थी मामले की जांच। फिरोजाबाद में बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी की हत्या, दुकान पर मिला शव, परिजनों ने पड़ोस के ही लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी, वारंट, 11 लाख एडवांस लेकर भी मुरादाबाद में शादी समारोह में नहीं पहुंची। द्रौपदी मुर्मू की जीत के लिए प्रसपा ने किया हवन पूजन, कार्यकर्ता बोले आदिवासी समाज से द्रौपदी को आगे लाना अच्छी बात है। मुठभेड़ के बाद चोर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, बलिया पुलिस ने 8 चोरी की घटनाओं का किया खुलासा, 1 आरोपी फरार। गोरखपुर में मां ने बच्ची को गर्म चाकू से 17 जगह दागा, मासूम के स्कूल न जाने पर नाराज थी मां, पिता ने केस कराया दर्ज। बाईस साल पुराने प्रभात हत्याकांड की कल हाईकोर्ट में सुनवाई, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी
जुलाई 2000 को हुई थी हत्या। रायबरेली में पति पत्नी और दो बच्चों की मौत, ढाबे से खाना खाकर लौट रहे थे, छोटे भाई की पत्नी की भी मौत, बच्चे घायल। मैनपुरी में दो भाइयों का अनोखा प्रेम, बड़े भाई की मौत के सदमे में छोटे के निकल गए प्राण, एक ही चिता पर चले। शराबी ने देवी की मूर्ति तोड़ी, लोगों ने की पिटाई। अलीगढ़ के अकराबाद के गांव धौरी का मामला, हंगामे की सूचना पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची। बिजनौर में नहर में नहाते समय डूबा युवक, गोताखोरों की टीम तलाशी में जुटी, नहर के बैराज पर करता धक्का। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा, रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन पुल की शैटरिंग गिरी, चार मजदूर घायल, कई मलबे दबे। उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश के आसार को देखते हुए रेड अलर्ट, 6 जिलों में बंद कराए गए स्कूल। सिडकुल में वामपंथी संगठनों की सक्रियता को लेकर अलर्ट, LIU टीम की रहेगी कड़ी निगरानी। दुकान से IT सेवाओं का क्रेडिट लेने वाली 11 फर्जी फर्म और कंपनियां पकड़ी गई, CGST टीम ने की कार्रवाई। ऋषि गंगा आपदा, 1.5 साल बाद तपोवन बैराज की सुरंग से मिला मानव अंग, नहीं हो पाई शनाख्त। श्रीनगर में बहुउद्देश्य पार्क के बाथरूम में घुसा गुलदार, दरवाजा खोलते ही युवक के उड़ गए होश। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सचिवालय कूच, लगाया भर्तियों में गड़बड़ी का आरोप। उत्तराखंड में फिर तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण, 148 नए संक्रमित मिले, 666 पहुंची सक्रिय मरीजों की संख्या। उत्तराखंड सरकार का एक और बड़ा फैसला, कांवड़ यात्रा मार्ग पर इतने दिन बंद रहेगी मीट और शराब की दुकान। सीएम धामी ने कांवड़ियों के पैर धोए, फूल मालाएं पहनाकर किया भव्य स्वागत। घसियारी महिलाओं से बदसलूकी पर संगठनों में रोष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजा ज्ञापन। उत्तराखंड में दम तोड़ता विकास, बीमार महिलाओं को 12 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचाया अस्पताल, 7 दशक से सड़क का इंतजार कर रहे 8 गांवों के ग्रामीण। उत्तराखंड में जाबाज पुलिस वाले, हरिद्वार में तेज बहाव में डूब रहे शख्स की बचाई जान, IPS अधिकारी ने शेयर किया वीडियो। उत्तराखंड में महंगाई की मार, GST लगने के बाद दिखा असर, 1.5 से 25 रुपए तक बढ़ गए डब्बा बंद खाद्य पदार्थों के दाम। हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए भाजपा ने शुरू की कसरत, उम्मीदवारों के नाम चुनने के लिए बनाई समिति। पाकिस्तान में विदेशी युवती के साथ गैंगरेप, 2 लड़कों ने होटल में दुष्कर्म किया, अमेरिका से टूरिस्ट वीजा पर देश आई थी लड़की। पाकिस्तान में बुर्का पहने
महिला से छेड़छाड़, सड़क पर चल रही महिला को आदमी ने पीछे से पकड़ा, कैमरे में कैद हुई शर्मनाक हरकत। तुर्की के राष्ट्रपति ने पुतिन से लिया करारा बदला, एक मिनट तक इंतजार कर बेइज्जती झेलते रहे रूसी राष्ट्रपति। अमेरिका में कैमरे में कैद हुआ एलियन, वायरल वीडियो में देख रहे लोग, ये सामान्य घटना नहीं। चीन के तियाजिंग शहर में बिल्डिंग गिरने के बाद हुआ गैस विस्फोट, 11 लोग घायल, 3 लापता। पाकिस्तान में धड़ल्ले से बिक रही चीनी बियर, ड्रैगन के नए जाल में फंस रहे पाकिस्तानी, हर रोज 1,00,000 लीटर बियर का प्रोडक्शन। आग की लपटों में घिरा स्पेन का किसान, जंगल की आग से शहर बचाने पहुंचा था, मिट्टी खोदने के दौरान फंसा। युद्ध के बीच ईरान के दौरे पर पहुंचे पुतिन, अब रूस का निशाना यूक्रेन के माइकोलाइव शहर पर। भीषण गर्मी से तप रही आधी दुनिया, यूएन की चेतावनी, सामूहिक आत्महत्या के मुहाने पर आधी इंसानियत, ब्रिटेन में पहली बार पारा 40 के पार। ब्रिटिश पीएम के लिए ऋषि सुनक फिर पहली पसंद, चौथे राउंड की वोटिंग में 118 वोट के साथ टॉप पर, दौड़ में अब सिर्फ 3 लोग। रुपए में गिरावट से बढ़ सकती है महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ सकते हैं दाम, विदेश में पढ़ना और घूमना भी महंगा। सरकार के जीएसटी पर सफाई, वित्त मंत्री ने 11 सामानों की लिस्ट जारी की, बोली खुले में आटा चावल और दाल बेचने पर नहीं लगेगा टैक्स। वर्क फ्रॉम होम पर सरकार की नई गाइडलाइन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लोग अब 1 साल तक घर से काम कर सकेंगे, 50% कर्मचारी को मिलेगी सुविधा। एथर के 2 इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर लॉन्च, ज्यादा बैटरी कैपेसिटी मिलेगी इसके, 450X जेन 3 में 146 किलोमीटर की रेंज होगी। नेटफ्लिक्स को तीसरी तिमाही में लगा झटका, 9.5 लाख से ज्यादा उपयोगकर्ताओं ने कहा अलविदा। पाम तेल की कीमतों में सितंबर तक आ सकती है 20% की गिरावट, $673 प्रति टन तक जाने की उम्मीद। डीएचएफएल मामले में वापधान, बंधुओं को 8 दिन के पुलिस हिरासत में भेजा गया, सीबीआई की विशेष अदालत हुई पेशी। इथेरियम के सबसे बड़े स्टेक लीजो फाइनेंस की $2.9 करोड़ के एलडीओ टोकन बेचने की घोषणा। शिबा इनू के पिछले 24 घंटे में 57 करोड़ से ज्यादा टोकन बर्न, बर्न रेट पहुंचा 785%। रिलायंस जियो की बादशाहत बरकरार, मई में जोड़े 31 लाख यूजर्स, वोडा आइडिया को मई माह में हुआ एक बार फिर भारी नुकसान। कोहली का फिटनेस डांस, पंजाबी सॉन्ग पर एक्सरसाइज करते नजर आए विराट, बोले ये काम काफी दिनों से पेंडिंग था। वनडे सीरीज के लिए त्रिनिदाद पहुंची टीम इंडिया, शिखर धवन, चहल और सिराज का दिखा खास अंदाज।
हैक्टिक शेड्यूल पर बोले बेन स्टोक्स क्रिकेटर, कार नहीं है जो पेट्रोल डाले और जहां चाहे खेलते चले जाएं। पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को दिया जीत का मंत्र, कहा पूरी ताकत और जी भर कर खेलिएगा, वादा भी किया। वॉरियर पुजारा बने रन मशीन, लॉर्ड्स में जमाया शतक, काउंटी सीजन में की रनों की बरसात। साउथ अफ्रीका में खेलेगी आईपीएल, मालिकों की टीम मुंबई चेन्नई समेत 6 फ्रेंचाइजी ने किया सभी टीमों पर कब्जा, खेला जाएगा अब एक बड़ा मुकाबला। गावस्कर बोले 20 मिनट में लौटा दूंगा कोहली की फॉर्म, कहा ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर आउट होने की समस्या भी दूर कर दूंगा। एशियन गेम्स अब अगले साल, चीन ने किया फैसला, कोरोना महामारी के कारण इस साल स्थगित करना पड़ा था इवेंट। गोल्फ से खेल में वापसी कर सकती हैं एशले बार्टी, सगाई के बाद टेनिस छोड़ा, क्रिकेट की बेहतरीन प्लेयर बच्चों के लिए लिख रही किताब। अब इंग्लैंड में दिखा अर्जुन तेंदुलकर का जलवा, गेंदबाजी में हुनर दिखाकर विदेशी बैटर को किया आउट। संजय दत्त का वायरल वीडियो 50 तोला, प्रमोशन के दौरान संजू बाबा ने बोला अपना इकोनॉमिक डायलॉग, फैंस ने की थी रिएक्ट। लंदन से वापस लौटी सारा अली खान, एयरपोर्ट पर खुद उठाया अपना सामान, फैंस ने बताया डाउन टू अर्थ। रॉकेट्री द नाम्बी इफेक्ट को देखकर इमोशनल हुए अनुपम खेर, बोले ये फिल्म आउटस्टैंडिंग और इंस्पिरेशनल है। सुनील ग्रोवर की कॉमेडी में वापसी, डॉक्टर मशहूर गुलाटी बनकर वापसी की कॉमेडी शो, इंडियाज लाफ्टर चैंपियन में आएंगे नजर। दलेर मेहंदी को राहत नहीं, 15 सितंबर तक जेल में रहना होगा, 2 साल कैद की रिव्यू पिटीशन पर सरकार को नोटिस। स्वरा भास्कर ने किया तापसी पन्नू का सपोर्ट, बोली बॉक्सर ऑफिस पर की गई कमाई ही किसी फिल्म की वैल्यू जानने के लिए काफी नहीं है। ऐश्वर्या हुई ट्रोलिंग का शिकार, एक बार फिर आराध्या का हाथ पकड़े दिखी ऐश्वर्या राय बच्चन, यूजर्स ने किया ट्रोल। रणबीर कपूर का वायरल वीडियो, शमशेरा के प्रमोशन के दौरान संजय दत्त के सामने उनकी नकल करते दिखे रणबीर कपूर। अदनान ने इंस्टाग्राम से डिलीट किए सारे पोस्ट, मोशन वीडियो शेयर कर लिखा अलविदा, फैंस ने पूछा सब ठीक है ना। ब्रह्मास्त्र के सीक्वल में दीपिका पादुकोण करेंगी पार्वती का रोल, अयान मुखर्जी ने किया रिएक्ट, बोले मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी एमएक्स प्लेयर के साथ।